नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार मौर्य, स्टडी विद राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की मेरी जो क्लास रहेगी आपका लेक्चर नंबर सेकंड रहेगा, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर हार्टिकल्चर का देखा था। तो आज हमारा जो सेकंड लेक्चर रहेगा, हमने पहले लेक्चर में आप सबको बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ हार्टिकल्चर, और आज जो मेरी दूसरी लेक्चर रहेगी यानी फ्रूट के बारे में, जो उसके ब्रांचों के बारे में आज हम देखेंगे। तो हमने जो फर्स्ट ब्रांच आप सबको बताया था, पहली ब्रांच हमने आप सबको बताया था फर्स्ट ब्रांच पोमोलॉजी, क्या बताया था हमने आप सबको, पोमोलॉजी के बारे में हमने आप सबको बताया था। तो पोमोलॉजी के बारे में हम किसका अध्ययन करते हैं, फलों का अध्ययन करते हैं। किसका, फलों का। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, फलों का अध्ययन करते हैं। ये क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि पोमोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं। तो पोमोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, फलों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है कि पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है, किस भाषा से लिया गया है, किस भाषा का शब्द है। तो किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन प्लस ग्रीक दोनों भाषा का शब्द। यह ध्यान रखना कि पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है, लैटिन और ग्रीक दोनों भाषा का शब्द है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है फादर ऑफ पोमोलॉजी, फादर ऑफ पोमोलॉजी यानी इसको हिंदी में क्या कहेंगे, फल विज्ञान के पिता। क्या हो जाएगा, फादर ऑफ पोमोलॉजी मतलब क्या हो जाएगा, फल विज्ञान के पिता। तो फल विज्ञान के पिता हम किसे बोलते हैं, डी कैंडोल। किसे बोला जाता है, डी कैंडोल को बोला जाता है। ये क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ पोमोलॉजी या फल विज्ञान के पिता हम किससे कहते हैं, तो डी कैंडोल को कहते हैं। इतना हो गया, इतना आप सब नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आगे हम देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि विश्व में सबसे अधिक फल का उत्पादन किस देश का, व्हिच कंट्री हाईएस्ट फ्रूट प्रोडक्शन इन वर्ल्ड, व्हिच कंट्री हाईएस्ट फ्रूट प्रोडक्शन इन वर्ल्ड मतलब विश्व में सबसे अधिक, व्हिच कंट्री हाईएस्ट फ्रूट प्रोडक्शन इन वर्ल्ड, मतलब विश्व में सबसे अधिक फल का उत्पादन किस देश का। यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण आप सबके लिए हो जाता है कि विश्व में कौन सा ऐसा देश है जहां सबसे अधिक फल का उत्पादन होता है, तो कौन सा हो जाएगा, चाइना। कौन सा देश हो जाएगा, चाइना। यानी फर्स्ट, पहले स्थान पर क्या हो जाएगा, चाइना हो जाएगा। उसके सेकंड यानी दूसरे स्थान पर क्या हो जाएगा, सेकंड स्थान पर कौन सा हो जाएगा, भारत हो जाएगा। यह क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनना है कि भारत का विश्व में फलों के उत्पादन में कौन सा स्थान, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता कि भारत का विश्व में फलों के उत्पादन में कौन सा स्थान, तो दूसरा स्थान, जबकि पहला स्थान किसका हो जाएगा, चाइना का हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है इंडिया अकाउंट्स, मतलब भारत का भाग है, क्या हो जाएगा, इंडिया अकाउंट्स भारत का भाग है। 12% ऑफ ग्लोबल टोटल फ्रूट प्रोडक्शन क्या जो टोटल फ्रूट प्रोडक्शन, मतलब इसमें ये बता रहा है कि इंडिया अकाउंट्स मतलब भारत का भाग है 12%, कितना, 12%। ग्लोबल मतलब एशिया में टोटल फ्रूट प्रोडक्शन, मतलब एशिया का जो कुल फल का उत्पादन होता है, टोटल जो फ्रूट का प्रोडक्शन होता है, उसमें भारत का कितना प्रतिशत भाग है, तो उसमें भारत का कितना प्रतिशत भाग है, भारत का 12% भाग है। कितना है, 12% भाग है। ये ध्यान रखना कि एशिया में जितना कुल फल का उत्पादन होता है, यानी एशिया में जितना भी कुल फल का उत्पादन होता है, उसमें भारत का कितना प्रतिशत योगदान है, तो 12% योगदान है। अगर हम मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं अगर 100%, कितना 100% एशिया में फल का उत्पादन हो रहा है, कितना 100%, तो उसमें भारत का कितना प्रतिशत योगदान है, 12%। कितना हो जाएगा, भारत का 12% योगदान है। यह क्वेश्चन यहां पर बन रहा है।
तो एशिया की बात करें ना कि पूरे विश्व, ये जरूर आप ध्यान रखना। तो हम आप सबको हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहे हैं, इंग्लिश में लिख दे रहे हैं और हिंदी में आप सबको हम इसको डिस्क्राइब कर दे रहे हैं, यानी बता दे रहे, तो आप इसको हिंदी में भी नोट कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, व्हिच स्टेट हाईएस्ट फ्रूट एरिया इन इंडिया, व्हिच स्टेट। व्हिच स्टेट हाईएस्ट हाईएस्ट फ्रूट एरिया इन इंडिया, एरिया इन इंडिया मतलब कौन सा ऐसा राज्य भारत का जिसमें सबसे अधिक फलों का क्षेत्रफल, व्हिच स्टेट हाईएस्ट फ्रूट एरिया इन इंडिया, मतलब भारत में कौन सा ऐसा राज्य जिसमें सबसे अधिक फलों का क्षेत्रफल, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कौन सा, महाराष्ट्र, एमएच, इंग्लिश में एमएच, हिंदी में क्या हो जाए, महाराष्ट्र, क्या हो जाए, महाराष्ट्र। इसको आप जरूर नोट कर लेना कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक फलों का क्षेत्रफल है, तो कौन सा ऐसा राज्य जिसमें सबसे अधिक फलों का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो महाराष्ट्र। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है कि व्हिच स्टेट हाईएस्ट फ्रूट प्रोडक्शन इन इंडिया, मतलब कौन सा ऐसा राज्य जिसमें भारत के फलों का उत्पादन सबसे अधिक है। तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों सेम एक ही राज्य तमिलनाडु का है, किसका है, तमिलनाडु का है। तो हम सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, प्रोडक्शन मतलब क्या हो जाए, उत्पादन। तो इसको हम थोड़ा आप सबको शॉर्टकट में बता रहे हैं, ज्यादा पूरा मतलब अच्छे पूरा एक लाइन में नहीं लिख रहे हैं, इतना बता देंगे कि आप सबको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कौन सा ऐसा राज्य जिसमें भारत का ऐसा कौन सा राज्य जिसमें सबसे अधिक फल का उत्पादन होता, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, तो यहाँ भारत से संबंधित बता रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो कौन सा ऐसा राज्य जिसमें भारत में सबसे अधिक फल का उत्पादन होता, तो तुम्हारा तमिलनाडु, कौन सा राज्य, तमिलनाडु, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीएन, मतलब तमिलनाडु। तो तमिलनाडु एक ऐसा राज्य जिसमें भारत का सबसे अधिक फलों का उत्पादन होता। उसके बाद आ जाता है प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी मतलब क्या हो जाएगा, उत्पादकता, क्या हो जाएगा, उत्पादकता। अब प्रोडक्टिविटी बहुत बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि प्रोडक्टिविटी क्या होता, प्रोडक्टिविटी ये होता है कि प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होता, क्या, प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिए, एक हेक्टेयर में जो कुल उत्पादन होता है उसे हम क्या बोला जाता है, प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता बोलते हैं। तो भारत का कौन सा ऐसा राज्य जिसमें सबसे अधिक फलों का उत्पादकता होती, सबसे अधिक फलों की उत्पादकता होती, तो वो भी हमारा क्या हो जाए, तमिलनाडु, मतलब टीएन, टीएन से मतलब क्या हो जाए, तमिलनाडु हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 31 मिलियन टन प्रति हेक्टेयर, 31 मिलियन टन प्रति हेक्टेयर है, यानी तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां एक हेक्टेयर में फल का उत्पादन 31 मिलियन होता है, 31 कितना हो जाएगा, 31 मिलियन टन प्रति हेक्टेयर होता है। तो इतना आप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर एरिया पूछेगा तो महाराष्ट्र, प्रोडक्शन पूछेगा कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य जहां पर सबसे अधिक फलों का उत्पादन होता, तमिलनाडु, कौन सा ऐसा राज्य जहाँ सबसे अधिक फलों की उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी होती, भारत के बारे में आप सबको बता रहे हैं, तो कौन सा, तमिलनाडु में जाएगा, कितना, 31 मिलियन टन प्रति हेक्टेयर होता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं फलों के बारे में, आज हम आप सबको बताएंगे कि प्रति व्यक्ति यानी एक व्यक्ति को एक दिन में कितना फल लेना चाहिए, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन फल लेना चाहिए, यह क्वेश्चन अगर कोई पूछ लेता कि एक व्यक्ति को एक दिन में कितने ग्राम फल लेना चाहिए,
या एक व्यक्ति को एक दिन में कितना फल खाना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, 92 ग्राम, 92 ग्राम प्रति व्यक्ति और पर प्रतिदिन, क्या हो जाएगा, प्रतिदिन, यानी एक दिन में एक व्यक्ति को कितना फल लेना चाहिए, 92 ग्राम फल लेना चाहिए, ये जरूर आप ध्यान रखना। अभी हम फल के बारे में बता रहे हैं, जब वेजिटेबल के बारे में बताएंगे तो ये बता देंगे कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितने सब्जी खाना चाहिए। तो अब इसको जरूर ध्यान रखना कि एक व्यक्ति को एक दिन में कितना फल लेना चाहिए या कितना खाना चाहिए, तो 92 ग्राम फल लेना चाहिए, यानी सभी फलों को मिलाकर। तो इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि इंडिया रैंक फर्स्ट, भारत का प्रथम स्थान है, यानी मैंगो बनाना पपाया गोया प्रोडक्शन इन वर्ल्ड, यानी ऐसा भारत में कौन सा ऐसा फल है जिसमें भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। इंडिया रैंक फर्स्ट, इंडिया रैंक फर्स्ट यानी भारत का प्रथम स्थान है मैंगो बनाना पपाया मैंगो बनाना पपाया एंड गुआवा प्रोडक्शन एंड गुआवा प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड हो जाए, यानी इंडिया रैंक फर्स्ट, भारत का प्रथम स्थान मैंगो बनाना पपाया एंड गुआवा के प्रोडक्शन में इन द वर्ल्ड, यानी भारत का, भारत में ऐसे कौन कौन से फल हैं जिसका विश्व में उत्पादन करने में भारत का प्रथम स्थान है। तो विश्व में सबसे अधिक जैसे आम का उत्पादन विश्व में सबसे अधिक किस देश का, तो भारत का है। अब विश्व में सबसे अधिक केला का उत्पादन किस देश का, तो भी भारत का। विश्व में सबसे अधिक पपीता का उत्पादन किस देश का, तो ये भी है भारत का। उसके बाद विश्व में सबसे अधिक गोवा मतलब अमरूद का प्रोडक्शन किस देश का, तो ये भी है भारत। मतलब 3-4 फ्रूट ऐसे हैं जो विश्व में भारत का प्रथम स्थान है, यानी उत्पादन में विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। अगर टोटल देखा जाए तो टोटल प्रोडक्शन में सबसे अधिक कौन सा देश आगे है, तो तुम्हारा हो जाएगा आपका ये चाइना। तो इसको आप ध्यान रखना कि विश्व, भारत में कौन कौन से ऐसे फल है जिसके विश्व में सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो मैंगो हो जाए तो बनाना पपाया और गुआवा के प्रोडक्शन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश इज द लीडिंग प्रोडक्शन ऑफ मैंगो, यानी उत्तर प्रदेश जो है आम का सबसे अधिक उत्पादन करता है। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर इन द मैंगो, इन द मैंगो यानी मैंगो का उत्पादन। क्या इसमें क्या बता रहा, मैंगो या आप मैंगो कर सकते हैं, आप मैंगो। तो उत्तर प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो, मतलब भारत की ये बात कर रहे हैं, किसकी हम बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं। तो भारत में सबसे अधिक आम का उत्पादन किस राज्य का है, तो किस राज्य का हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ये जरूर ध्यान रखना, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। अगर कोई पूछ लेता है कि भारत में सबसे अधिक आम का उत्पादन करने वाला कौन सा ऐसा राज्य जिसमें सबसे अधिक आम का उत्पादन होता, तो कौन सा हमारा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, आंध्र प्रदेश एपी उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश यानी आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश, जैसे इंग्लिश में हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, एपी। एपी मतलब क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश में किस फल का सबसे अधिक उत्पादन होता है, ये जरूर देना। अब यहाँ आप सबको शॉर्ट टर्म में बताएंगे, पूरा डिटेल से नहीं बताएंगे कि आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जिनमें सबसे अधिक किस किस फल का उत्पादन होता है। तो आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक जो फल का उत्पादन होता है, सिट्रस और पपाया, सिट्रस एंड पपाया, सिट्रस एंड पपाया जो है जिसमें सबसे, सिट्रस और पपाया का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य का भारत में, तो आंध्र प्रदेश। ये ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश है।
सिट्रस मतलब नींबू वर्गीय फसल होती, कौन सी होती है? नींबू वर्गीय फसल होती, कौन सी होती है? नींबू वर्गीय फसल होती है हमारी, जैसे नींबू हो जाएगा, संतरा हो जाएगा, मौसमी हो जाएगा। तो ये हमारा सिट्रस और पपाया का उत्पादन सबसे अधिक किसका है? तो आंध्र प्रदेश का है। तो आज हम आप सबको बताए, अभी जो कुछ भी क्वेश्चन बच रहे हैं जो फ्रूट से संबंधित है उसको हम आप सबको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो ये आप सबको लेक्चर कैसा लगा, मतलब हमारी पढ़ाई आप सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को मतलब लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, जिससे आप सब तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुँच सके। हमारा जो यूट्यूब चैनल पढ़ाने का मतलब मेन मकसद ये है कि जो भी गरीब बच्चे हैं, मतलब जिनके पास सुविधा नहीं, बहुत ही गरीब, उनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, तो उनके लिए हम ये चैनल बता रहे हैं, बना रहे हैं। मतलब हमारा मेन मकसद ये नहीं होता कि हम पैसा कमाएं, हमारा पैसे से कोई नहीं, मतलब जो भी गरीब बच्चे अगर मानते हैं उनके पास पैसा नहीं हो, कहीं कोचिंग नहीं कर सकते या कुछ भी नहीं कर सकते, तो वो हमारे चैनल को अच्छी तरीके से देख के अच्छी तरीके से मतलब पढ़ सके। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप सबको हम ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा से अच्छी पढ़ाई दे सके और वीडियो भी कंटिन्यू मतलब रोज एक वीडियो आप सबको उपलब्ध करा सके। तो अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो हमें लगता है एग्रीकल्चर का आप अच्छा हो सकता है। और बाकी अगर जिन बच्चों को कोचिंग करना है, जैसे अगर आप सब कानपुर से अगर इंटर एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, कानपुर से ये सोचते हैं कि हम इंटर एग्रीकल्चर कानपुर से कर लें और साथ में यूपी कैटर या बेच चुके तैयारी कर लें, तो हमारा जो राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के दोई नगर में है, आप सबको पता होगा कि कानपुर में जो इस बार सबसे अधिक रिजल्ट, यानी अगर पूरे बच्चे 100% रिजल्ट है, यानी एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ, चाहे फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, पढ़ाई नंबर है क्या, यानी हाईएस्ट समझ लीजिए 85% गया है, तो आप यहाँ कॉलेज मतलब कॉलेज में एडमिशन ले सकते। उसके बाद और जैसे अगर आपको कोचिंग करना है तो आप सब कोचिंग भी काकादेव में कोचिंग भी कर सकते हैं, जैसे तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी हमारी जो हम वहाँ पर भी पढ़ाते, तो आप वहाँ पर भी अच्छे से यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आप क्लास मतलब अगर आप क्लास भी कर सकते हैं तो क्लास भी लीजिए, और कोचिंग अगर आपको करना तो आराम से आप कोचिंग भी कर सकते हैं। तो हमने आप सबको आज के लिए जो हमारा वीडियो रहेगा इतना ही रखते हैं, बाकी अगला हमारा वीडियो अगले वीडियो में आप सबको मिलते हैं। धन्यवाद।